इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, फिर आता है बारा बाजार, इट्स ऑल्सो नोन एज बुरा बाजार। इन इंडिया बुरा बाजार इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉर होलसेल मार्केटिंग। आपको यहाँ पे हर एक सामान एक होलसेल प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो अपना बिजनेस चलाने का या फिर स्टार्टअप खोलने का, तो ये प्लेस आपके लिए ही बना है। जरूर इस प्लेस को आइए। बुरा बाजार के बारे में पूरे जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। तो फाइनली हम लोग ने स्टेशन के बाहर आ गए हैं। आप लोग को बता दूं कि ये जो हाड़ स्टेशन है, ये ईस्टर्न रेलवे का पहला स्टेशन है। जो पहला ट्रेन है वो रन हुई थी हावड़ा से हुगली तक 15 अगस्त 1854 को, और ये हावड़ा को वर्ल्ड का बिजिएस्ट स्टेशन भी बोला जाता है। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, ये हावड़ा स्टेशन से रोज 600 से भी ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन रवाना होती है, एंड रोज 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। तो फिलहाल हम 9 बजे तक यही स्टेशन में ही रुकेंगे, क्योंकि हम वापस जाने के लिए टिकट नहीं बनाए हैं। हम आज ही वापस जा रहे हैं घर सारे काम निपटा के। तो 9 बजे टिकट काउंटर खुलेगा, वहाँ पे रिजर्वेशन टिकट हम करवाएंगे, तो फिर हम जाएंगे हमारा काम पे। 9 बजे तक इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं। तो ये है आपके सामने वर्ल्ड फेमस हावड़ा ब्रिज। उसके ब्रिज की ओपनिंग हुई थी 3 फरवरी 1943 को, यानी कि आज से 78 ईयर्स एगो। इसकी लंबाई है 705 मीटर्स एंड चौड़ाई है 30 मीटर, हाइट है 82 मीटर। ये आपको जो आगे जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, वो पूरा बिल्डिंग रेलवे स्टेशन है। एंड स्टेशन के पास में ही बस स्टैंड आपको मिल जाएगा इधर उधर जाने के लिए। ये जो घाट है ये स्टेशन के सामने ही है, और हम लोग अभी यहाँ पे आए थे थोड़ा फ्रेश होने, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग ने ये सोचा कि चलो और कहाँ चलते हैं, क्योंकि भीड़ से बचना है, कोविड का टाइम है। तो मेरे साथ है सूरज, मेरा भंजा, और हम लोग का पीछे है हावड़ा ब्रिज, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे घाट है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, हुगली रिवर है ये। और हम लोग का आगे जो है देखिए ये वाला, यहाँ पे है स्टेशन का बिल्डिंग, सारे बिल्डिंग स्टेशन का बिल्डिंग है। तो फाइनली हम लोग ने टिकट करवा ली। 1.5 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद हमको टिकट मिल गई, बट बैड लक, हमारा जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में है अभी 98 एंड 99। अगर ये कंफर्म नहीं होता है तो हमको काफ़ी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आने के टाइम में हम काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आएंगे। तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम जा रहे हैं 12 बजे को बस में, तो फिर चलिए। तो हावड़ा स्टेशन से आपको हर 10-15 मिनट में एक बस मिल जाएगा 12 बजे की ओर। ये लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे है, जस्ट आप ये हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करोगे तो आपको मिल जाएगा 12 बजे। तो अगर आपको चलना पसंद है तो आप चलकर भी जा सकते हो, उतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यही पास में ही है, बस आपको ये जो ब्रिज है ये क्रॉस करना है। तो अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, एंड ये जो ब्रिज है ये हुगली रिवर के ऊपर बनाया गया है। एंड वेस्ट बंगाल का जो ट्विन सिटी है कोलकाता एंड हावड़ा, इसको ये बीच में जोड़ता है ये ब्रिज। इस ब्रिज में लगभग 26,500 टन्स का स्टील लगा हुआ है, एंड सारे स्टील टाटा स्टील से इंपोर्टेड है। एंड और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, इस ब्रिज में एक भी नॉट एंड बोल्ट नहीं लगाया गया है। तो फाइनली हम लोग ने बड़ा बाजार में पहुंच ही गए, एंड हावड़ा स्टेशन से यहाँ तक लगभग 2 या 3 किलोमीटर डिस्टेंस है। और हावड़ा स्टेशन से यहाँ तक अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो जस्ट 10 रुपीज़ लगेगा आपको। तो यहाँ पे एक राखी का स्टॉल है, होलसेलिंग स्टॉल है, काफ़ी कम प्राइस है यहाँ पे ये जो सारे राखी का। आगे राखी पूर्णिमा आ रहा है तो लगभग 800 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पे लगी हुई है। अभी सुबह का 9:30 बज रहा है, तो मार्केट खुला नहीं है, मार्केट जो है 10 बजे के बाद ही खुलता है यहाँ पे। बड़ा बाजार को इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको A to Z हर एक सामान एक चीप प्राइस पे मिल जाएगा,
बट ज़्यादातर यहाँ पे आपको स्पाइशेस टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड जो भी सामान हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल में यूज करते हैं वो सब सामान यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग को कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से वो सामान लेकर आप रिटेल शॉप करके वहाँ पर बेच सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस प्लेस के साथ थोड़ा फैमिलियर होने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, तो फिर चलिए। यहाँ पे बहुत सारा ट्रक एंड रिक्शा लगी हुई है, जो भी सामान मैन्युफैक्चरर से आ रही है यहाँ पे वो ट्रक से निकाल के ये सब रिक्शा पे लोड हो रही है एंड रिक्शा डायरेक्ट जा रहा है गोदाम पे। तो यहाँ पे आप एक चेन देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर और जो है होलसेलर के बीच में यहाँ पे एक चेन सिस्टम आप देख सकते हैं। ये है मेन रोड, हम यहीं पे ही उतरे थे बॉस से। तो ये रोड के साइड में जो लेफ्ट साइड हो गया वो रह गया पूरा आपका बड़ा बाजार, और राइट साइड जो एक गली है वो राइट साइड में जाने पे आपको मिल जाएगा चाइना मार्केट, जहाँ पे आप लोग को सारा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का होलसेलिंग प्राइस पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट भी देखने को मिलेंगे, जो कि आपको हेल्प भी कर सकते हैं बट फंसा भी सकते हैं। तो फिर वी अवेयर फिट, हम लोग को वैसे एक भैया मिल गए जो कि हमें लेकर अभी जा रहे हैं उनका दुकान पे। तो फिर चलिए चलते हैं, तो ये हम चले उनके दुकान में, हमको थोड़ा कुछ मेंस वेयर का सामान लेना है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं दुकान पे। तो ये जो भैया अभी गए वो है हमारा कंसल्टेंट। तो दुकान में हम ज़्यादा शूटिंग इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था कैमरा, तो उस दुकान का जो ओनर है वो हमें मना किए शूटिंग के लिए, तो हम भी कैमरा बंद कर दिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, तो देखते हैं कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। तो चलते हैं फिर। तो ये जो दुकान है वो बड़ा बाजार के अंदर ही है, यहाँ पे दो तंदूरी रोटी और उसके साथ आपको चना मसाला देंगे या फिर पनीर बटर पनीर मसाला या फिर आलू दम देंगे, तो उसका प्राइस है 35। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, जो तंदूरी रोटी है वो हमारा उड़ीसा का नान बोलते हैं ना, नान की जैसा ही है, तो प्राइस काफ़ी बढ़िया है। और तो फिर देखते हैं खा के कैसा लगता है ये टेस्ट। तो टेस्ट काफ़ी बढ़िया है दोस्त, हम दो प्लेट लेके अभी खा चुके हैं, फिलहाल भी मन नहीं भर रहा है यहाँ से। तो बढ़िया है टेस्ट, एकदम बढ़िया, अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पे खाइए। तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:30, अभी बहुत सारा दुकान खुल चुका है, मार्केट भी धीरे धीरे भीड़ जम रहा है मार्केट पे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स का शॉप है, यहाँ पे पुस्ता पोशाक का शॉप है, काफ़ी सारा चीज़ों का यहाँ पे दुकान है। एंड यहाँ पे जो सारे दुकानें हैं वो ज़्यादातर होलसेलिंग प्राइस होलसेलिंग दाम में ही सामान बेचते हैं, एक दो सामान नहीं देंगे आपको। अगर आपको बल्की अमाउंट में लेना है तो इस मार्केट पर आइए आप। अगर आप यहाँ आ रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए तो आप पहले सारे दुकान देखिए घूमिए, उसके बाद सारे दुकान का प्राइस समझिए, उसके बाद ही सामान खरीदिए। तो हम लोग ने तो हमारा जो सामान है वो ख़रीद ली है, बट हम सारे मोमेंट्स को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हर जगह जो है कैमरा अलाउड नहीं था,
बट हम लोग अभी तक 15-20 हज़ार का शॉपिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो सब सामान और रेस्पेक्टिव दुकान में ही है। फिर जब हम जाएंगे स्टेशन, वो सब सामान लेकर जाएंगे। अगर आप कुछ सामान खरीदने यहाँ आ रहे हैं तो ट्राई करिए कि सुबह का टाइम ही आइए, जब मार्केट खुलता है 10 बजे। अदरवाइज देखो कितना भीड़ अभी जम चुकी है यहाँ पे। सुबह पूरा प्लेस जो था सुनसान था, बट ये अभी अभी शाम का 4 बज रहा है और भीड़ है आउट ऑफ कंट्रोल। तो इस ब्लॉग में आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखा करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। लव यू ऑल।